वालेकुम दिवस। तो भाई सबसे पहले सुबह सुबह जैसे उठी, ये भाभी का मुन्ना अच्छा बेटा उनका मेरे जाने का ये आया है ईद मिलने हैं चच्ची से। तो ईदी दे दी मैंने आपको। आप खुश हो? ईद मुबारक करो। जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सब खैरियत से होंगे? तो भाई मेरी गला जो है बैठ गया है कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी खा खा के। तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना है कि आवाज़ कैसी आ रही है। अगर लग रहा है कि ढोल जो ना बज रहा है तो आप लोग ढोल की आवाज़ें सुनते रहें और मेरी पूरा फुल व्लॉग मेरा देखें। और इंशाल्लाह हम लोग बाहर जाएंगे घूमने। और अभी तो मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाऊंगी पूरा। और यहाँ पर मैं ऊपर गई थी अपनी जिठानी से मिलने, लेकिन जिठानी मेरी चली गई थी अपने मतलब कहीं पर वो, तो फिर इस वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाई। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था, लेकिन मैं ना सैटरडे बाज़ार से लेकर आई थी आईलेशेस, तो मैंने सोचा वो मैं लगा के ट्राई करूँ कि 50 रुपीज़ में हमें जो आईलेशेस मिली हैं क्या वो बिल्कुल मतलब चिपकती हैं यहाँ इस पर या नहीं। तो ये मैंने जस्ट ट्राई किया था, लेकिन यकीन मानिए बड़ा ही अच्छा लगा और चिपक गई थी फ़ौरन और बिल्कुल सही था। और यहाँ पर मैंने लाइट सा मेकअप किया है और सिर्फ ये जो है ना मैंने जो लिया था 6 सेट और ना ये रिंग्स वगैरह तो ये पहना। और यहाँ पर मैं आप लोगों के सबके सामने आ गई और ये मेरी चूड़ियाँ हैं। और अभी मैं लुक भी दिखा दूंगी आप लोगों को फाइनल और ये ड्रेस का डिज़ाइन। तो साथ ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इतने दिन बाद क्यों वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो इसलिए कि ना टाइम नहीं मिल रहा, बाजी वगैरह आ गई थी। तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया था, दिल लग चुका था। और इंशाल्लाह वो भी लोग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग गए थे मेले पे घूमने और फेस्टिवल लगा हुआ था ईद फेस्टिवल, वहाँ पर गए थे तो बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। और ये मेरा फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं जो है अपने व्लॉग का एंड करूँगी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, पता नहीं मुझे मेकअप से आ रहा, और जिसमें कि मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने बेस लगा के ना और मैंने लगाई थी आईलैशेस। और आईलैशेस भी मैंने ऐसे ही बस लगा ली ट्राई करने के लिए। मैंने बोला देखते हैं कैसी आईलैशेस है ये। तो अभी अयान के पापा उठे हैं, मैं नाश्ता वगैरह बना के दूँगी अयान के पापा को, क्योंकि रात से तो मैं गई हुई थी पार्लर और ना काम वगैरह करने। अभी इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट व्लॉग आएगा, जो मेरी नंद आएगी तो फिर इंशाल्लाह फिर बनाऊंगी। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। और साथ में मेरे हस्बैंड को भी, और ना गुस्सा था मुझे, लेकिन अब मैं यही सोच रही हूँ चलो अब नहीं पहना है तो इनकी ही वो है। और चलो शादी वगैरह भी आ रही है, शादी में काम आ जाएंगे सूट। ना भाई ने भी कॉल की, भाई भी बहुत अपसेट थे, कह रहे थे भांजाओं के गिफ्ट वगैरह थे और उनको मिले ही नहीं और ना फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर कोई बात नहीं। और देखिए मैंने आईलैशेस लगाई थी ना, अभी तक भी नहीं उतरी और अभी शाम के बज चुके हैं 4। और अभी मैं ना इनको नाश्ता बना के दूंगी और ख़ुद मैं जो है ना ये पानी पीऊँगी चीनी का और उसका मतलब नमक का। मुझे ना बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। दवाई से पहले दवाई से जो है ना वो नहीं हो रहा था ऐसा, अब वो दवाई डॉक्टर ने ना चेंज दी है ना तो उससे हो रहे हैं। और बस शायद गर्मी भी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा सूट कैसा लगा, सब कुछ कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम गाइस, अभी चलते हैं, मम्मा आई भी हैं और हम लोग अभी कल दिन जाएंगे। पता नहीं मम्मा बोली हैं कभी मेला जाएंगे कभी कहीं, इसलिए हम देखते हैं कल जाके जा जाएंगे आपको बताएंगे। और आज सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। चलो आओ नीचे चल के टाइम हो गया था, अभी शाम के 5-6 बज गए और बच्चों को लगी हुई है कि कहीं चलो कहीं चलो। तो अभी मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ और मैंने अपना मेकअप वेकअप तो उतार ही दिया सारा, और अब हम ऐसे ही जा रहे हैं। नहीं
ग्राउंड में ही चलते हैं बस। तो अभी मैं उतार देती हूँ, नहीं वहाँ दूर है, पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं है। चलो लाइनर लगाओ तो लाइनर उतार दूँगा। ये दोनों मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर। किस तरफ है? मम्मा 20 रुपए का, 10 रुपए का मेरे, 10 रुपए है मेरे। गाड़ी भी आई हुई है यहाँ पर सवारी के लिए, और ऊँट भी, और यहाँ पर ये देखिए बच्चे। अरमान आप भी बैठ जाओ, गिरोगे नहीं। कहीं नहीं जाएगा, खड़ा है। आओ आओ, कितने? हाँ सॉरी भाई, दिए नहीं मैंने आपको। ये ले आयान, तुम्हें दिए थे मैंने। देख मैं समझी तूने दे दिए पैसे, तो तुम्हारे पास थे ना 50। कितने का है गोलगंडा? 10 का दे दो। बन गया भाई गोलगंडा?
अब मैं भी गोलगंदा खाने का दिल चाह रहा है तो मैं ये तो वो धूप तो भाई देख ली थोड़ा इस तरफ आओ आगे मेकअप बंद करो आके ये माशाल्लाह मेकअप किसने किया इतना अच्छा मेकअप अभी दाल से ले लिया और अभी हम जाने लगे हैं तो देखिए फैमिली सब आई हुई है अपने बच्चों को झूले वूले झुला रहे हैं और हमारे वाले जो है ना टाइम नहीं मिलता तो चले हम खेलते हैं घर सफाई करने लगे क्योंकि अयान के पापा ना सो के नहीं उठते हैं और ना इस वजह से इतनी टेंशन हो रही होती है सफाई नहीं की थी मैंने झाड़ू पोछा एक दफ़ा किया था बस वरना मैं शाम में 3-4 बार करती हूँ और यहाँ कर यहाँ की देखिए सारी मैंने जो है ना अयान के पापा से सफाई करवाई है देखिए इतनी गंदगी यहाँ पर चढ़ हुई थी ये लोग जो है ना सुनते नहीं हैं और कचरा फेंकते हैं और बिल्कुल भी जो है ना घर में रहने की लोगों को तमीज़ नहीं है हमारे अपने ही बच्चे होते हैं और अपने ही घर के होते हैं जो इतना गंद फैला रहे होते हैं अब क्या किसी को बोलें तो सफाई बहरहाल हमें ही करनी पड़ती है जब भी अयान के पापा करते हैं अयान के पापा ही करते हैं बाकी किसी का इसमें वो नहीं है बाकी हाँ है सबका सहन चीज़ें खड़ी करने के लिए सबका है वैसे ये मैंने जो नेल्स दिए थे ना ये हमारी भतीजी ने लगा लिए और ईमान कैसे लगे नेल्स बहुत अच्छे लगे मुझे ऐसे करो जिया आपने क्यों नहीं लगवाए नेल्स मेरे पास वो ही नहीं था आखिर आप नहीं लगाओगे मुन्ना तो ये भाई परी खड़ी होके दिखाओ आपने क्या वेयर किया है क्या पहना है मुन्ने हटो तो आपने क्या पहना है हट जाओ परी खड़ी दिखाओ ओहो वाह भाई वाह जेब में हाथ डाल के दिखा परी जेब में हाथ डालो अरमान हटो तो जेब में तो हाथ डाल भाई ये देखिए परी जेब में हाथ डाल ले जेब में परी बनी हुई है नर्स डॉक्टर वाह भाई वाह तो यहाँ पर अजान अभी हम आए थे ऊपर नीचे हम सब के यहाँ घूम लिए लेकिन ना बच्चों की वीडियो नहीं बना पाए दिखा ईमान अब आप ईमान यू कर बोलो गाइस और आपको कैसे लगे नाखून ये तो बता दो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल चलो बच्चे खुश हो गए क्यों के दोस्त वगैरह तो वही हमारे रात का खाना है और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है जिंगर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह थोड़ी तबीयत अभी बेहतर हुई है तो आज ईद का दिन था तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था ये खाने का तो फिर मैंने आज इनसे ये मंगवाया चाहिए मुन्ने खाएं खाना